हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग फ्रॉम लेह लद्दाख। जी भैया जी, कल शाम को हम लेह पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं ऐसे जगह पर रुका ना जहाँ रिकॉर्ड करना था, छोड़ो वहाँ कैमरा निकालना था, बहुत दिक्कत था। तभी मैं लेह से 4-5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और यहाँ से मिलिट्री एरिया खत्म होता है। खूबसूरत सा व्यू है, आज मौसम पूरा क्लियर है। छोटे से शॉप के आगे मैं रुका था, पता नहीं किस चीज का शॉप है। तो बात यह है कि मैं लेह एक टारगेट से आया था, जो टारगेट मेरा पूरा हो गया, एक्सप्लोर करने में नहीं आया था। भाई आएंगे फिर कभी गुड्डू भैया के साथ। कल का अकेले वाला राइड जो था पद्दुम से लेह का, जो नया रोड भाई साहब इतना खतरनाक। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तब तो आपको पता ही होगा। यहाँ मैं रुका था गोप्रो सेट करने के लिए। सुबह का 6:30 बज रहा है, टारगेट है कारगिल। कारगिल किस लिए? क्योंकि हमारे साथ जो 3 लोग थे ना, वो कारगिल में रुके हैं, तो कारगिल तक पहुंचना है। उन लोग तक जाने के बाद ही आगे का जो होगा साथ में। फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। मेरा टारगेट है उन लोग जब तक सो के उठे और रेडी होना, तब तक मैं कारगिल पहुंच जाऊँ। यहाँ से 220 किलोमीटर है और मेरे पास इसको करने के लिए 4 घंटे, क्योंकि मैं आराम से कर सकता हूँ। NH1 से जाना है अपने को। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरे भाई साहब, यही है मैग्नेटिक हिल। तो ये रास्ता सीधे जम्मू श्रीनगर कारगिल, और ये जो रास्ता है ना, ये मनाली होते हुए चंडीगढ़ दिल्ली। तो भैया हम सीधे जाएंगे। क्या खतरनाक रास्ते है भाई। कल जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये रास्ता लेह को जाती, क्योंकि मैंने जो लेह के रास्ते के बारे में सुना था और जो मैं देख रहा था, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अलग हो रहे थे। तो इस खतरनाक रोड और सुंदर व्यू के साथ हमारा 100 किलोमीटर कम्प्लीट हुआ। अच्छा, तो लामा यारू इस जगह का नाम है। कल मेरा यहाँ रुकने का एक बार के लिए प्लान था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि लामा यारू पे रुकेंगे, लेकिन लामा यारू मिला नहीं था। मतलब बारिश इधर भी बहुत जोरों की हुई है। इस प्यारे से व्यू में ब्लू स्काई के साथ बहुत ही खूबसूरत। इस जगह पे मैं रुका ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि हो गया। ये वो जगह है फतुला, ऐसा कुछ नाम है इस जगह का। ये 140 किलोमीटर में मेरा पहला ब्रेक था, अब डायरेक्ट कारगिल जो कि 80 किलोमीटर है। यहाँ भी बुरे तरीके से लैंडस्लाइड हुई। अरे भाई भाई, पीछे का तो फिर भी ऑफ रोड टायर है, चल जाएगा, लेकिन फ्रंट वाला बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है। ये वाला व्यू तो बिल्कुल ही अलग। इधर मिट्टी मिट्टी का पहाड़, आगे पत्थर वाला पहाड़, और दोनों का बीच का खूबसूरती, आए हाय हाय हाय। तो भैया अंधाधुंध बाइक चलाने के बाद अब बस हम पहुंचने वाले हैं कारगिल 10 मिनट में। तो भैया सीधे जाएंगे तो कारगिल टाउन है, इधर बाईपास, मतलब हमारा वेलकम हो चुका है कारगिल में। अरे भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहा है। तो
भैया दिन के 12 बज रहे हैं। गुड्डू भैया हमारे उधर है, कारगिल सिटी इधर है, पूरा कारगिल सिटी यहाँ से दिख रहा है, ये कारगिल बाईपास है। यहाँ पे मैं रुका हूँ मैप देखने के लिए कि जो जिला पास कितना दूर है, क्योंकि पेट्रोल बाइक में कम है। टाउन में तो पक्का ही होगा पेट्रोल पंप, बट अगर पेट्रोल अगर वहाँ तक चल जाएगा, बीच में पेट्रोल पंप मिलेगा, तो मैं टाउन नहीं घुसूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट ऐसे भी है हम, मतलब 2 घंटा उनसे पीछे चल रहे ना, तो उसे मेकअप तो करना पड़ेगा। तो गूगल के अनुसार बाईपास नहीं लेना है, कारगिल टाउन होकर ही जाना है। अरे यार फोन ना गिर जाए। आई लव लद्दाख बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है। बाइक चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग ना करे, लेकिन क्या ही करे, टाइम की कमी है, बट लाइफ इज प्रीसियस। यही रास्ता है ना भाई। सामने दिख रहा है पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल, पहले तो फिल अप कराते फिर बाकी का सोचेंगे। भैया मैं कारगिल से निकलने से पहले सोच रहा था कि बीच में पेट्रोल पंप है या नहीं। 2 पेट्रोल पंप है, जिसमें से एक ये भी है, तो पेट्रोल की ज्यादा दिक्कत नहीं है। दराज से थोड़ा सा पहले अगर आप जोजिला जा रहे हो कारगिल से, तो दराज से पहले आपको मिलेगा पेट्रोल पंप। किसी ने तो मुझसे कहा था जोजिला वाला रास्ता बहुत खराब है। भाई रास्ता एक नंबर है भाई, एक नंबर। तो भैया जी इस जगह पे हम रुके थे मैगी खाने के लिए, और क्या मैगी उगी हो गया, लेकिन अच्छा बात ये है क्या बात घबरा रहा है। तब मिल गया तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। सुबह से टेंशन था तब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। 20 किलोमीटर मिल गया, अब हम लोग जा रहे सीधा चौकीला पास, समझे एकदम मजेदार होने वाला सीन। आगे का व्यू देखिए, गजब हो रखा है यहाँ, देखिए बर्फ है, बर्फ जो जिला पास में यहाँ पे बर्फ हो रखा है। अरे इसको तो नहीं दिखाएंगे, इसका चैनल टेक ओवर हो गया है। मैं हूँ बीस्ट और आप देख रहे हैं सेक्सी ब्लॉग। मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं बट मैं देख रहे और ये बिछड़े इसका चैनल हैक हो गया गाइस। अभी हम मस्त जा रहे हैं बर्फीले पहाड़ों की तरफ, दैट इज जोजिला पास। हो सकता है जोजिला पास पे बर्फ मिले, कैसा लग रहा है बर्फ मिलेगा अभी आगे? बर्फ से ज्यादा खुशी हो रहा है कि हम लोग मिल गए। एक बताइए इतना खुश हो रहा है, टोपी छोड़ के आ गया था पदुम में, इसका टोपी ना है। हम कल यही सोच के बाइक चला रहे थे कि मेरे पीछे 2 और बाइक चल रहा था, कोई टेंशन नहीं, फंसेंगे तो निकल जाएंगे। और कल हम लोग ये सोच के चला रहे थे ये सेक्सी तो है नहीं, पीछे तो कोई होगा नहीं, पूरा दबा के चला रहे थे हम लोग 50-60 पे। चैनल के साथ इनके गुड्डू भैया और स्नो लेपर्ड को भी अब किडनैप किया जा रहा है। स्नो लेपर्ड ही रहा, कौन चला रहा है? अच्छा हरि भैया कहाँ जा रहे हैं? ये भैया एक्सपल्स पे आ रहे हैं। ओ पूरा एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पे। ओ ये भैया बोल रहे एक्सपल्स चलाएंगे, देखिए ये दिक्कत हो गया इधर आइए, पूरा आपको लास्ट तक सिस्टम दिखाएंगे। दिक्कत हो गया इस तरह ना कि इस बार जो घूमे ना, हमको ऐसा मन कर रहा है कि अभी घूमते ही रहे। फिलहाल हम लोग चलते हैं जो जिला पास में, तो बर्फ से ढक जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, व्हाइट। हिमाचल की शान है, पेड़ों से गिरा शिमला यारो अपनी जान है, बोले हैं लोग यहाँ के प्यारी मुस्कान है, यारों के खातिर यारा करते जा कुर्बान है। जन्नत शांति पहली ना कोई शोर, कुल्लू मलाना जन्नत का खजाना, जमाना दीवाना चाहे घूमना मलाना, मन की मनाली रानी पहाड़ों की शिमला, देसी विदेशी आते हैं लेकिन दिल बिमला, करते हैं अपन और मस्ती में घूमते, पेड़ों के संग संग वादियों में झूमते, जो भी आते हैं खिलाड़ी ना अनपढ़ अनाड़ी, जचता जीन पैंट शर्ट पट्टू और साड़ी, बनाते गर्लफ्रेंड बनाते हम लाड़ी।
जोजिला पास में लैंडस्लाइड के कारण बुरा हाल, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है और हम फंसे हुए हैं यहाँ। इस जगह से पूरा पत्थर गिर रहा है, मतलब जहाँ तक नजर जा रहा ना उस पॉइंट से जाम लगा हुआ है, शायद अब खुलने ही वाला है। सिर्फ बाइकर्स पहले पूरा ना, हाँ ग्लेशियर यहाँ पे रहता था। अच्छा क्या हुआ? इस खूबसूरत से व्यू में हमें रोका गया है। इस जगह का नाम है सोनमर्ग, सोनमर्ग जो भी बोल लो आप। यहाँ से 800-900 मीटर आगे सोनमर्ग है। यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाता है 3 बजे के बाद। अगर आप बाइकर है, कार में, कहीं भी है, शाम के 3 बजे से पहले आपको निकलना होगा और नहीं तो यहीं रुकना पड़ेगा। दो जन गए हैं लेने के लिए, मतलब होटल जाके बुक करके रुकना, स्लीप नहीं करना पड़ेगा, इन्हें दिखाना पड़ेगा, तो आगे जाने देंगे, यहीं पड़ेगा। और उसकी वजह से यह जगह कॉस्टली भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी अभी भेड़ लेना हो तो संपर्क करें। अभी हो नहीं रहा भाई, भेड़ पाले में ही बहुत ज्यादा। हाँ बाल भी पाले हैं। बाल भेड़ का, भेड़ पाले तो बाल तो मिलेगा। अच्छा, सब बाल है। देख रहे ना, मतलब कैसा आदमी सर, इसको ट्रेन किया जा रहा है। ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं।